इंडिया इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आप शुरू से देखें, सिर्फ एक मैच वो हारे हैं और एक जो है उनका ड्रॉ हुआ है मैच। इंडिया। तो एज अ पाकिस्तानी आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? एक विराट कोहली है, धोनी है, रोहित शर्मा इंडिया में, और वो बहुत टफ टाइम देगा। अच्छा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होने जा रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा और जीतने की वजह क्या है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो में मैं हूं आपकी होस्ट अलीना तारिक और आज हम मौजूद हैं अमाना मॉल में। तो क्रिकेट के शायकीन, आ गया वो वक्त जिसका था शिद्दत से इंतज़ार। टॉप फोर टीम सेमीफाइनल्स तक पहुँच चुकी हैं, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड। तो हम आज अपनी पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे कि वो किस टीम को सपोर्ट करती हैं और क्या लगता है उन्हें कि कौन सी टीम जीतेगी। आप भी बताइए हमें कि किस टीम को सपोर्ट करते हैं नीचे दिए गए कमेंट में। तब तक मैं यहाँ की पब्लिक से पूछती हूँ उनका रिएक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, थ्रू इट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस। मुस्लिम, अच्छा इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होने जा रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा और जीतने की वजह क्या है? इंडिया, क्योंकि इंडिया इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आप शुरू से देखें, सिर्फ एक मैच वो हारे हैं और एक जो है उनका ड्रॉ हुआ है मैच, ठीक है, वो भी सिर्फ रेन की बैड लक हो गई इस वजह से। इस टाइम वो जो है जीतने की पोजीशन में बहुत ज़्यादा, और न्यूजीलैंड जो है वो आपने देखा 11 पॉइंट्स उसके हैं, पाकिस्तान के साथ ही थे, बस वो रन रेट की वजह से ऊपर चला गया। तो मुझे तो यही लगता है कि होप इंडिया जीतेगा। मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगी क्योंकि उनके पास ना स्ट्रेटजी होती है, कि स्ट्रेटजी कल वो क्या प्ले को लेके चलते हैं। तो न्यूजीलैंड का ये है, प्लेयर तो है लेकिन बस ये फास्ट वो ज़्यादा फेस कर सकते हैं, और जो से इंडिया है वो मल्टीपल वर्क। ऑफकोर्स इंडिया। अच्छा, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऑफकोर्स इंडिया। इंडिया। मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा क्योंकि जब से इंडिया टीम आई है वर्ल्ड कप के अंदर तो ऑलरेडी 9 मैचेस हैं इनके और 7 वो जीत चुके हैं, विनिंग रहे हैं और 2 लॉस रहे हैं, और काफ़ी चांसेस हैं इनके और पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होने जा रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया। असल में तो जो बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन है वो तो इंडिया की थोड़ी सी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी जो है ना ये ख्वाहिश है कि वो इंग्लैंड जो है ना वो मैच जीते और इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हो उसमें न्यूजीलैंड विन करे। जी फिलहाल तो इस टाइम जो स्ट्रॉन्ग टीम जा रही है इंडिया जा रही है, उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इंडिया जीतेगी जो लग रहा है। देखें, द वे इंडिया इज़ परफॉर्मिंग, इंडिया सीम्स बेस्ट। मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड कप भी शायद इंडिया या इंग्लैंड में से कोई लेके जाएगा, तो ईजिली मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगा। न्यूजीलैंड का अगर आप देखें तो उन्होंने कभी अभी तक किसी पूल में किसी अच्छी टीम को नहीं हराया, वो अगर आया भी है तो किस्मत से आगे आए हैं। पाकिस्तान ने फिर भी 2 अच्छी टीमों को हराया फिर भी वो बाहर हैं। मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो फेवरेट है। न्यूज कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग तो इंडियन है, तो बाहर यही लग रहा है कि इंडियन जो है वो जीतेगी। दोनों टीम में से कौन से प्लेयर्स हैं जो लगता है एक दूसरे को टफ टाइम दे सकते हैं? रोहित शर्मा इंडिया में, और वो बहुत टफ टाइम देगा, और इसके अलावा कोहली, आपको तो पता है इंडिया में सारे ही खेलते हैं बहुत अच्छा, और अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ जाएंगी तो वहाँ पे उनके बॉलर्स अच्छे हैं, ठीक है, वो बॉलिंग में ज़रा टफ टाइम देंगे, जैसे बोल्ट हो गया, ठीक है, तो वो अच्छा, और फॉर्गसन हो गया, तो ये सारे जो हैं ये अच्छा खेला। अगर आप इंडिया की बात करें तो रोहित है, ठीक है, क्योंकि वो आप शुरू से देख रहे हैं जैसे कि वो हर मैचेस में सेंचुरी के अलावा बात ही नहीं कर रहा। इंडिया की तरफ से विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, और उनके बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह और MS धोनी हैं, और उधर न्यूजीलैंड की तरफ से उनके बॉलर हैं ट्रेंट बोल्ट और केन विलियमसन हैं, और ऑफकोर्स उनके ऑलराउंडर वो हैं मिडल और बैट्समैन है रॉस टेलर, जो टफ टाइम दे सकते हैं। एक विराट कोहली है, धोनी है, और रोहित शर्मा, हाँ वो हैं, और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, मुझे नाम नहीं पता। इंडिया के अंदर आप देखें तो कोहली है जिसकी कैप्टनसी बहुत अच्छी है, और धोनी है उसमें एक बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंसेबल पर्सन है, और इनके साथ साथ इनके बैट्समैन बॉलिंग कॉनवर्ड लास्ट तक बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड में देखें तो इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बैटिंग इनकी जो है करीबन 4-5 विकेट्स तक रहती है, और इनमें विलियमसन अच्छा बैट्समैन है,
इंडियन न्यूजीलैंड का तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडियन के बारे में है कि जो विराट कोहली है और जो उनका रोहित शर्मा है, वो मतलब कि अभी तक उसने सबसे ज़्यादा जो सेंचुरीज जो हैं वो रोहित शर्मा ने की हैं, अभी तक 5 सेंचुरीज उसकी हो चुकी हैं। तो इंडियन में जो जो बैटिंग लाइन है ये न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकती है। जो इंडिया में वो तो विराट कोहली और शर्मा है, न्यूजीलैंड में जो टफ टाइम लगता है वो है विलियम मैंस। देखें रोहित शर्मा ऑफ कोर्स 5 सेंचुरीज और ये भी हिस्ट्री में उसने रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है कि एक सीरीज या एक टूर्नामेंट में 5 सेंचुरीज, तो वो तो है ही है। कोहली है, उसके अलावा धोनी है, फिनिशर, बेस्ट फिनिशर। न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो गप्टिल जो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, हालांकि बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका टूर्नामेंट जितनी उससे एक्सपेक्टेशन थी। विलियमसन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेलर इज़ गुड, एंड डाउन द लाइन निशम और लेथम अच्छे हैं, मतलब अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया इजीली ले जाएगा। एज अ पाकिस्तानी आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करने की वजह भी बतानी है। मैं एज अ पाकिस्तानी तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इंडिया को तो कर नहीं सकते, इंडिया को तो सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह मेरी जो है होप जो है न्यूजीलैंड के साथ। एज अ पाकिस्तानी ऑब्वियस बात है कि न्यूजीलैंड को मैं करूंगा। मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा, किसी को भी नहीं करना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है न्यूजीलैंड हार जाना है, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो रन है ना वो 200 से तो ऊपर जाना नहीं है, और फिर आपको पता है इंडिया की टीम तो बहुत ही अच्छी है, इसलिए न्यूजीलैंड हार जाना। एज अ बीइंग अ नेबरहुड मैं इंडिया को सपोर्ट करना चाहूँगा। एज अ पाकिस्तानी आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? इंडिया को। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? मैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर है, इंडिया और न्यूजीलैंड में से आप किस? एज अ पाकिस्तानी मैं जो है वो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूँगा और चाहूँगा कि न्यूजीलैंड आगे फाइनल में जाए और उनका मुकाबला जो है इंग्लैंड के साथ हो। इंग्लैंड अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता और कोई यह है कि इंग्लैंड जो है वो जीते फाइनल। जी इंडिया जीतेगा क्योंकि ज़्यादा आगे, तो इंडिया को ही करेंगे स्पोर्ट्स। गो विद इंडिया। इंडिया की टीम को सपोर्ट करने की वजह यह है कि दे आर द बेस्ट। उनका बॉलिंग अटैक देख लें, बहुत अच्छा चल रहा है उनका, स्पेशली बुमराह बहुत अच्छा जा रहा है। उसके अलावा उनका बैटिंग तो खैर है ही है, वो तो उनका हमेशा से जो है उनका क्या कह रहे हैं प्लस पॉइंट रहा है। रोहित शर्मा इज इन वेरी गुड फॉर्म, कोहली इज इन वेरी गुड फॉर्म, धोनी, पांड्या, आई थिंक इंडिया ले जाएगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है फाइनल, सेमीफाइनल से फाइनल तक जाने का, क्या लगता है कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है और कौन जीतेगी? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अच्छा, दोनों टीम में से ऐसे कौन से प्लेयर हैं कि जो एक दूसरे को टफ टाइम दे सकते हैं? प्लेयर तुम्हें बताने। आप रिलैक्स रहें, आप बहुत कंफ्यूज हैं। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन क्या है, कि वो किस टीम को सपोर्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, थ्रू इट यू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोज़।